अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई। पहले टेस्ट मैच के लिए इंडिया ए ने समाचार लिखे जाने तक 60 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 215 रन बना लिए। टीम इंडिया के लिए पृथ्वी शॉ और मयंक अग्रवाल ने बेहतरीन पारियां खेली। पृथ्वी शॉ ने एक बार फिर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 88 गेंदों में 62 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और एक छक्का भी लगाया। इसके अलावा मयंक अग्रवाल ने 108 गेंदों में 65 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और 2 छक्के लगाए। इस मुकाबले में टीम इंडिया के दो दिग्गज बल्लेबाज फेल होते हुए नजर आए। मुरली विजय ने 28 रन बनाए जबकि अजिंक्य राणे मात्र 12 रन बनाकर आउट हो गए। ताजा समाचार लिखे जाने तक हनुमा बिहारी 34 और पार्थिव पटेल 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें तथा कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। यही और रोचक खबरों के साथ जुड़ने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।